नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एनसीए की परीक्षा तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न परीक्षा में छूट ना सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस करने से पहले यहाँ पर एक आप लोग का बेसिक से डाउट क्लियर कर दूं मैं कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या है। तो मैं आप लोग को यहाँ अंतर बता दूं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है दोस्तों उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होते हैं, ठीक है, और जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड होते हैं, मतलब वहाँ पर आवाजाही नहीं हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसकी कोई भी सीमा, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, कोई भी घेरा नहीं होता है। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है दोस्तों उसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, ठीक है, उसकी एक फिक्स सीमा होती है। दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सामान्य लोगों के लिए ओपन रहता है, ठीक है, और जो नेशनल पार्क है ये यूजुअली जनता के लिए ओपन नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रखा है जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों पोखरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पोखरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और गोवा में ही दोस्तों ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है दोस्तों कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, बिहार में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार में ही और भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन कौन सी है? वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पापीकोंडा वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। और महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है, वो कौन सा है? ताड़ोवा, ठीक है, ताड़ोवा हो गया। और कौन सा है? पीन गंगा, ठीक है दोस्तों, पीन गंगा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोमटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा आप लोग का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, प्रश्न है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और केरल में दोस्तों एक मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है दोस्तों, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों पखुई टाइगर रिजर्व भी स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, पखुई टाइगर रिजर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्पाइक द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए, तो कहाँ स्थित है दोस्तों,
यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ण प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पता है फ्रेंड्स यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों प्रश्न है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस राज्य में स्थित है बताइए, यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो उसने यहाँ प्रश्न दे रखा है, अल्पाइन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले की नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड होती जा रही है, उन वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अधिचुनगिरी वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नाम सुन के समझ गए होंगे किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और भी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन कौन सी है दोस्तों, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर से उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर कच्छ का नाम सुनते ही आप लोग समझ चुके होंगे, तो किस राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों बसीपल्ली है वो कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग आज का आखिरी क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।